उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये जेल है। चलो चलो उठो, तुम्हारे लिए नाश्ता यहाँ लगेगा। चलो उठो। संतरी बाचा ये छत को देख रहा था कि कहाँ छत फाड़ कर भागो। और तुम बकवास नहीं करो, चलो उठो उठो उठो, चलो चलो भाई। शादी करना और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, बल्कि इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जब ये मोहब्बत जुनून बन जाए और आपको आपके वालिदैन अपने दुश्मन लगने लगें, तो फिर ये एक पागलपन। महविश, आपके वालिदैन के बारे में हमें पता चला और भाई के बारे में भी पता चला, हमें शदीद दिली अफसोस है। अल्लाह उनकी मगफरत करे और आपको सब्र दे। तो शाहज़ेब आपसे बड़ा था या छोटा था? शाहज़ेब मुझसे एक साल छोटा था। उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 17 साल थी। महविश, मुझे आपसे पूछते हुए बहुत अफसोस हो रहा है और कुछ अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि आपका भाई सिर्फ 17 साल का था और इतनी छोटी उम्र में वो जेल चला गया। वहाँ पे जाहिर है पुलिस की, जेल की अपनी मैनेजमेंट भी होती है, तो ऐसी क्या वजह बनी कि उसने खुदकुशी की? शायद उसे पछतावा था। पछतावा? कैसा पछतावा महविश? 17 साल तो कोई उम्र ही नहीं होती। इस उम्र में तो बच्चे ख्वाब देखते हैं, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ऐसा क्या हुआ था? मैं क्या जवाब दूं आपको? महविश, मुझे पता है इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन हम आपके पास यही जानने के लिए आए हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कैसा पछतावा, क्या वाकया हुआ था जो ये हालात पेश आए। मेरे वालिद साहब हेस्को में ऑफिसर थे और हम सरफराज कॉलोनी में पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। वाभी वाम्मी, कभी हमारा सर भी सला दिया करें। तुम तो ऐसे बोल रही हो, तुम्हारी कंघी चोटी भी तो अभी तक मैं करती हूँ, तो और कौन करेगा? अम्मी आप तो हाथ ना रोकें, ये तो जल कुकड़ी है, हमेशा जलती रहेगी। सुन लिया अम्मी आपने? अरे जलती रहेगी तो भाई है, तुझे नहीं छेड़ेगा तो किसको छेड़ेगा? क्या हो रहा है अम्मा बेगम में? शहजादे साहब अम्मी से सर दबवा रहे। चल झूठी, सर नहीं दबवा रहा, अम्मी ने तो सिर्फ हाथ रखा हुआ है। अल्लाह तौबा, कितना झूठ बोलता है, तुझसे कम। अरे महविश बेटा, ये माँ बेटे का आपस का मामला है, हमें इससे क्या। और बता बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी, बाकी बाजी का मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छे ही नंबर आते हैं मेरे। आ ही ना जाए। अब्बू ये ना सनोबर से बातें ज्यादा और पढ़ाई कम करता है। अरे ये सनोबर कौन है भाई? अरे पड़ोस में रहती है, इसी क्लास फेलो है, दोनों साथ मिलके पढ़ लेते हैं। हाँ बेटा ये भी अच्छा है, एक दूसरे से मदद मिल जाती है। सनोबर को घर बुला लिया करो, ये है कि महविश भी आपकी मदद कर दिया करेगी। आप भी को खुद तो कुछ आता नहीं है। हाँ जब ही तो दोनों मेरे पास भाग भाग कर आते हो। अरे बेटा जैसे भी पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। चले आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय बनाती हूँ। चलो बेटा अब तुम भी कमरे में जाओ। कर लिए सारे कपड़े थे? कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी आपको बताया तो था, मैं सनोबर के साथ कंबाइन स्टडी करता हूँ। बेटा इस तरह रोज रोज वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, उसको यहाँ बुला लो। अम्मी यहाँ आपकी निशा और वर्षा कितना शोर मचाती हैं, वहाँ कम से कम सुकून से पढ़ तो लेता हूँ। अच्छा ठीक है जाओ, बस घर जाने का बहाना। आके देख लेना। तू भी लाजमी बोलेगी, उसको छेड़ने में तुझे मजा आता है क्या? सारे कपड़े तय करके रखो। अरे बेटा ये लो पानी। नहीं, पानी किसने? अरे बेटा पढ़ते पढ़ते हलक खुश्क हो जाता है ना। शुक्रिया खाला, इसे क्या पता। बस अब मैं थक गई,
चलो हम बातें करते हैं। बस तो बस, मैं भी चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? अपने घर। क्यों, ये घर नहीं है, हम बातें करते हैं, इस तरह थकावट भी दूर हो जाएगी। पहली बार सुना है कि बातें करने से थकावट उतरती है। तो हम अच्छी बातें करेंगे ना। अच्छी अच्छी बातें, वो कैसी होती है? वही जो हम करते हैं। हम तो फजूल बातें करते हैं। वही अच्छी बातें होती। तुम्हारी अम्मी ने मुझे और तुम्हें बातें करते हुए देख लिया ना, तो डांट पड़ जाएगी बिला वजह। बात सुनो, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, वो नहीं डांट। वैसे ये तो है। अच्छा चलो, मैं बुक्स रख देती हूँ। तुम अब तक नाश्ता कर रहे हो? कितनी देर हो गई है? बस बस, हो गया। जल्दी उठो। अरे ये कहाँ जल्दी उठने, उठा उठा के थक जाओ, बिस्तर छोड़ता ही नहीं है। हाँ तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ना। आप तो अपनी चोंच बंद रखें, आप कौन सा जल्दी उठती हैं? टाइम पर जाती हूँ, और अगर तुम्हें भी लेट नहीं होना है ना, तो इसके आश्रय पर मत बैठा करो, वरना रोज लेट होगी तुम भी। लड़की जात है, अकेली कैसी जाएगी? लड़के जात की शक्ल तो देखो। तुम दोनों लग गए दोनों फजूल बातों में। अरे तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। नहीं नहीं बस हम चलते हैं, जल्दी उठो। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये लैला मजनू कौन है? ये कैसा सवाल है? वो आज स्कूल में लड़कियां बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लो। अपने अम्मी अब्बू से जाके पूछो, वो इसका सही जवाब देंगे। क्यों, तुम नहीं दे सकते? अरे यार दोस्त है। सिर्फ दोस्त है या एक दूसरे से प्यार करते थे? यही समझ लो। तो क्या हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं? शक्लों का नहीं पता, लेकिन हरकतें जरूर मिलती हैं। तो फिर हम भी दोस्त हुए ना? जी बस दोस्त। हाँ सिर्फ दोस्त, और क्या? स्नोबर्ड और शाहजेब एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और उनको ऐसा महसूस होने लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने। सेब, तुम मैट्रिक के बाद क्या करोगे? कॉलेज जाऊंगा। क्यों, तुम नहीं जाओगी क्या? नहीं, मेरे माँ बाप मुझे आगे नहीं पढ़ा सकेंगे। खैर मुझे तो पढ़ना है ना, अब्बा की तरह अफसर जो बनना है। वैसे भी तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? लेकिन इस तरह तो हमारी मुलाकातें भी कम हो जाएंगी। सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम दोनों शादी कर लेंगे। सच? हाँ सनोबर, हम इकट्ठे ही जिएंगे, पहले पढ़ाई उसके बाद। तुम कितने बेशरम हो, अभी से ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों, तुम प्यार नहीं करती मुझसे? यही तो एक काम करती हूँ बस, तुमसे प्यार जो करती हूँ, तभी तो डरती हूँ कि तुम्हारे घर वाले इनकार ना कर दें। और तुम्हारे माँ बाप? मेरी अम्मी मेरी बात सुनती है और अम्मी की बात अब्बू सुनते हैं। लेकिन यहाँ हिसाब उल्टा है, अब्बा ने जो कह दिया ना बस वो फाइनल। फिर भी तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया तो? तब भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे। तुम एक काम करो, आज ही जाके अपनी अम्मी से बात करो और मैं जाके महवीज बाजी को पटाता हूँ। हाँ ये ठीक है, बाजी हमारी फेवर जरूर लेंगे। ये क्या कर रही हो? आप तो 24 घंटे टीवी देखती रहती है, कभी अपनी बेटी को भी देख लिया करें। अरे बेटा 16 साल से देख रही हूँ, आज तुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है? अम्मी है आप मेरी, प्यार तो हमेशा ही आता है। आज तो कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, क्या चाहिए? वो अम्मी मेरी दोस्त है ना समरा, उसकी शादी हो गई, पता है वो मुझसे भी छोटी है। शादी हो गई? नहीं नहीं मेरा मतलब उसकी मंगनी हो गई। चलो अच्छा है, बेटियों की तो जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। अम्मी वो शाहजेब है ना? क्या हुआ उसको? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कह रहा था कि वो आगे पढ़ेगा। हाँ तो उसका अब्बा सरकारी ऑफिसर है, तो वो भी सरकारी ऑफिसर बनेगा, क्या तुझे उसने आगे पढ़ने को कहा है क्या? नहीं नहीं अम्मी वो ये नहीं कह रहा था, वो तो कह रहा था, वो कह रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो कह रहा था वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या मतलब? अम्मी
शाजिब मुझसे शादी करना चाहते। क्या शाजिब तुझसे शादी करना चाहते? बाजी मेरी प्यारी बाजी, मेरी अच्छी बाजी, तुम जियो हजारों साल साल। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतने मक्खन लगा रहे हो? और ये मैं इससे बाजी कैसे हुई? पहली बात ये कि आप मुझसे एक साल बड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और आखिरी बात ये कि इस गाने में भाभी था, मैंने बाजी कर दिया। अब समझी मैं भी शकरम साहिबा? समझ गई, आप बहुत कमीने ज़ेब अकरम साहब। हाँ हूँ, उसके साथ साथ आपका बहुत प्यारा भाई भी हूँ। असल में बात ये है, नहीं बात वो है, कुछ बात है। क्या? कपड़े इस्त्री करने? अल्लाह ने मुझे हाथ दिए, वो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों के साथ नहीं बाहर जाना, इजाजत चाहिए। वो अम्मी का काम है। पैसे, पैसे चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पैसे बहुत हैं। चल निकल यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, बता रहा हूँ ना, अब्बू से एक फरमाइश करनी है। पापा तो वैसे भी तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। हाँ लेकिन ये खास बात है, थ्रू प्रॉपर चैनल बात जाएगी तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपको जैसे जैसे कहेंगे आपने वैसे करना है। आपने अम्मी से बात करनी है, अम्मी पापा को कन्विंस कर लेंगी, फिर हमारा भी काम आसान हो जाएगा। पहले नीचे से कोई वजनी चीज ताकि उसे मैं तुम्हारे सर पर मारूं और तुम्हारे मुँह से बात निकले। बाजी वो अपनी सनोवर है ना? वो है पर अपनी नहीं है। बाजी अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके मजाक बंद नहीं होगा। अच्छा चलो बोलो। बाजी वो बहुत अच्छी है। अच्छी है? पता है मुझे अच्छी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। हैरत तो मुझे इस बात की है कि महविश तो समझदार है फिर भी वो इसकी हम आवाज हो गई। उसने बोला अम्मी को बता दूं, महविश ने मुझे बता दिया, बच्ची है वो, उसे इन बातों की क्या तमीज। महविश बेटा। जी पापा। बेटा शाहजेब कहाँ है? अपने कमरे में होगा। जाओ बेटा उसको बुला के लाओ और आप भी साथ आइएगा। जी पापा अभी बुलाती हूँ। सनोबर तो फिर भी ठीक है पर उसके माँ बाप मुझे शुरू से पसंद नहीं है, पता नहीं किस जात बिरादरी के हैं। अरे जात बिरादरी तो बात की बात है, ये भी कोई उनकी उम्र है ऐसी बातें करने की? अच्छा फिर भी अभी बच्चे आ रहे हैं, आप जरा आराम से बात करिएगा, डांटे वाटे करने। ये दांत क्यों नजर आ रहे तुम्हारे? अभी तुम्हारा काम हुआ नहीं, अभी से बदतमीजी पे उतर आए। तौबा तौबा, बदतमीजी वो भी मैं अपनी बड़ी बहन से, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो बस आपके दांत नजर आ रहे थे ना, और आज संडे भी है, पक्का आपने ब्रश किया होगा। हाँ आज संडे और पापा भी घर पर हैं और तुम्हें याद करना है तो चलिए। मुझे बुला रहे? लगता है अम्मी ने मुकदमा पेश कर दिया, आगे तुम्हारी किस्मत। मूड कैसा है? मूड बज़ाहिर तो ठीक है लेकिन सितारे बता रहे हैं कि तुम्हें डांट पड़ने वाली। चलो। फालतू जलालतू आई बला तो डालतू, या अल्लाह खैर। पापा आपने बुलाया था? जी तुमने अपनी अम्मी से क्या कहा है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब महविश झूठ कह रही है? पापा वो मैं। तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है क्या? नो पापा। तुम्हें मालूम है मैट्रिक के बाद भी तुम्हें 8 साल तक पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर किसी काबिल हो गए। जी जी पापा मैं पढ़ लूंगा। क्या तुम खाक पढ़ोगे? मैट्रिक करते तो तुम्हें शादी की पड़ गई। मामा मैं शादी के बाद भी पढ़ता रहूंगा। शादी तुम्हारा नहीं हमारा मसला है, और महविश तुम भी इसके हम ख्याल हो गई, तुम तो समझदार हो।
पापा वो बस मंगनी का बोला था। पापा मैं और सनोबर जब किसी काबिल हो जाओगे ना सनोबर जैसे हजारों मिल जाएंगी, कोई वो अनोखी है। जाओ जाकर अपनी तालीम पर तवज्जो दो और आइंदा कोई फजूल बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी तालीम पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तू तो बड़ी है ना, इसको समझा, इसकी हिमायत करने क्यों बैठ गई। चलो उठो जाके अपने पापा को चाय बना के दो। शाज़िब जाके अपने कमरे में बैठो। देखो वैसे पापा जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ना भी तो है। चली जाओ तुम भी, पापा को समझा नहीं सकती थी। भाई पापा के आगे किसकी चलती है, बोलने लगी थी चुप करवा दिया। जो भी हो मैं सनोबर के बगैर पढ़ भी नहीं सकता। अच्छा तो रो तो नहीं, लड़के हो के रो रहे हो तुम तो। चलो शाबाश, कुछ सोचते हैं। चाहे जो भी हो मैं शादी सनोबर से ही करूंगा। पापा आज भी हमें बच्चा समझते, अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करने देते। अगर पापा को कोई उनकी उम्र का आदमी समझाए तो शायद उनकी समझ में आ जाए, लेकिन समझाएगा कौन। अपनी औकात से निकल के तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, अब तो खुशखबरी बता दो। आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई। मैंने डरते डरते अम्मी से बात तो कर ली। पहले तो उन्होंने खूब डांटा मुझे, लेकिन बाद में उन्होंने अब्बू से बात करने का वादा किया मुझसे। फिर अब्बू ने इनकार कर दिया? जी नहीं, अब्बू ने सिर्फ इस शर्त पे हाँ की है कि तुम्हारे घर वाले बाकायदा मेरे लिए रिश्ता लेकर आएंगे घर, तो अब्बू हाँ बोल देंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों, तुमने अपने घर में बात नहीं की? किए, लेकिन मेरे अब्बू का कहना है कि अभी मुझे बहुत पढ़ना है। लेकिन मेरे घर वाले मुझे इतना टाइम तक थोड़ी बिठा सकते हैं, और अगर बाद में तुम्हारे घर वाले ने मना कर दिया तो? इतना अरसा तो मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। लेकिन हम सिर्फ मंगनी भी तो कर सकते हैं। सब कुछ करके देखिए, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ मर गया तो छोड़ दो, क्योंकि जिंदा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम पहले मुझे मार दो। अब एक कोशिश और हो सकती है। वो क्या? अगर कोई बड़ा आकर मेरे अब्बू को समझाए तो बात बन सकती है। लेकिन तुम बड़ों को कहाँ से लाओगे? तुम्हारे अम्मी अब्बू ये कर सकते हैं। सुनिए आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। भाई बेगम ये जिंदगी में पहला मौका है जब आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं। अरे भाई बात ही कुछ ऐसी है। खैरियत क्या हुआ? शाज़िब ने अपने घर पे बात की थी, उसके वालिद नहीं मान रहे। अरे नहीं मानते तो ना माने, हमारी सनोबर में कौन सी कमी है, एक से एक रिश्ता मिल जाएगा उसको, उसे क्या कमी है रिश्तों की। वो सब तो ठीक है, मगर मैं सनोबर को कैसे समझाऊं? भाई बेगम बात तो गलत नहीं है, बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, आपको पता है सनोबर ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया, हमारी इकलौती बेटी है, हम क्या करेंगे? अरे बच्ची है उसको समझा दो, कोई हमारी तरफ से तो इनकार नहीं है ना। अब ये शाज़िब की अब्बू की मर्जी है कि वो, अब ये शाज़िब का फर्ज था कि उसको समझाता अपने अब्बू को। जाके बात तो कर सकते हैं, शादी ना सही मंगनी ही सही। अरे बेगम क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हम लड़की वाले हैं। अरे छोड़े इन पुरानी बातों को, अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखें। कौन बाप है जिसको अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, लेकिन ये तो सोचो अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? फिर मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। शाज़िब इस कम उम्र में स्नोबर से शादी करना चाहता था और अपने माँ बाप से इस बात की जिद कर बैठा। उसके माँ बाप का ख्याल ये था कि वक्त के साथ साथ ये अपना इरादा बदल देगा। हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ा लिखा इंसान बने और किसी काबिल हो तब ये बात की जाए। उधर स्नोबर भी जिद में आ गई, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और खाना पीना छोड़ दिया। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ को तरस आ गया और उन्होंने अपने शौहर से बात की कि शादी ना सही तो कम से कम मंगनी ही कर देते।
पहुँचा लेंगे आपको, चाय वगैरह लिखा हूँ आपके लिए। नहीं नहीं शुक्रिया, हम लोग खाना खा के चाय पी के आ रहे हैं। जी सदीक साहब, आज कैसे जहमत कर लिया आपने आने की। वो इकरम भाई, मैं ये कह रहा था कि ये कोई धकेचुली बात तो है नहीं, वो आप तो जानते ही हैं कि सनोबर और शाहजेब पसंद करते हैं एक दूसरे को। सदीक भाई, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए, बच्चों की कोई उम्र है ऐसी बातें करने की। देखिए वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे बच्चा, इसके क्या आप अपनी बेटी को समझाएं, हमने भी तो अपने बेटे को समझाया है, आप यहाँ वकालत करने आ गए उसकी, प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं। अरे अरे आप गलत समझ रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं था। आपकी बेटी में आखिर ऐसा कौन सा है जो इस तरह रिश्ते तलाश कर रही हो। जबान संभाल के बात करें, लाखों में एक है मेरी बेटी। तभी घर का रिश्ता ढूंढ रही हैं, तुम्हारे बेटे ने पीछे लगाया उसे। रहने दीजिए, अपनी बेटी आगे करके मेरे बेटे को भी खराब कर दिया आपने। इकराम साहब, अपने बेगम को चुप करा ले, हद होती किसी बात की। इससे पहले कि हम मजीद हद पार करें, आप लोग चले जाइए यहाँ से। चलो भी। मैंने तुमसे पहले कहा था ये लोग ठीक नहीं है। हाँ हाँ जाएं, और आइंदा यहाँ आने का सोचेगा ही मत। अरे हम तो थूकने भी नहीं आए तुम्हारी चौखट पर। जाके अपनी बेटी के मुंह पे थूको, पूरे मोहल्ले को खराब कर दिया तुमने। चलो चलो खाना तो खा लो। नहीं खाना मुझे, चली जाओ यहाँ से। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं सनोबर से मोहब्बत करता हूँ। कितने घटिया इंजाम लगाए मम्मी पापा ने उस पर, ये जानते हुए भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, वो मेरे बगैर मर जाएगी। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, मेरे माँ बाप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। देखो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी, तुम बस कुछ दिन सबर कर लो। नहीं होता मुझसे सबर, और ना ही कुछ ठीक होगा, वो मेरे बगैर मर जाएगी। मैं उससे जाकर मिलूंगा और सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम मैं अब तूने अगर उससे मिलने की कोशिश की या उसका नाम लिया तो मैं तुझे मार दूंगी या खुद जहर खा के मर जाऊंगी। तेरी वजह से जो तेरे माँ बाप ने जिल्लत उठाई है, अब मजीद उठाने की हिम्मत नहीं। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं शाहजेब से प्यार करती हूँ लेकिन आप लोगों से ज्यादा नहीं करती। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी उससे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। तो रुक, मैं देखती हूँ। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है, दफा हो जाओ यहाँ से। खाला मुझे एक बार सनोबर से मिलने दे, मुझे उससे बात करनी है। कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खाला खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मेरे अम्मी पापा को भी माफ कर दे। सनोबर तुम समझाओ ना अपनी अम्मी को। क्या समझाऊं मैं, क्या समझाऊं, भूल जाऊं वो सब कुछ जो तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सनोबर मुझे नहीं पता था कि। लेकिन मुझे सब पता चल चुका है, मैं अपने माँ बाप को और बेइज्जत नहीं करवा सकती। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सनोबर ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। लेकिन अब मैं नहीं करती, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर नहीं हो। मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सनोबर मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना, मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
डाकू आए थे, अम्मी अब्बू को मार के चले गए। अम्मी, 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 अम्मी उठे ना, अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू, अम्मी, अब्बू उठे, अब्बू से बाहर पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे अम्मी अब्बू सब खून में नहाए हुए थे। महविश, मुझे आपकी कहानी सुन के रोना आ रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों पे आपको तसल्ली दूं। ये क्यामत से कम घड़ी नहीं होगी जब आपने अपने माँ बाप को इस हाल में पाया। और मुझे भी कौन आपका सगा भाई, आपने इन हालात में अपने आप को कैसे संभाला? उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जाहिर है अपने प्यारों को इस हाल में देखकर कौन अपने होश में रह सकता है। इंसान अपने प्यारों की तकलीफ नहीं देख पाता तो आपने तो उनको कत्ल हुए हुए देखा। इसलिए कि मेरे माँ बाप का कत्ल मेरे छोटे भाई शाहजेब ने ही किया था। महविश, अपने माँ बाप का कत्ल या किसी भी इंसान का कत्ल आसान बात नहीं है, तो उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों? वो सनोबर की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि वो घर वालों को दुश्मन समझने लगा था। माजरत के साथ महविश, ये मोहब्बत नहीं, ये जुनून और पागलपन है। ऐसा ही था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने आपको कत्ल क्यों नहीं किया? वो मुझे घर में अपना वाहिद हमदर्द समझता था। महविश, ये बहुत तकलीफ दे बात है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। बार बार जाहिर है कहानी जब हम दोहराते हैं तो अगले इंसान को भी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ सवाल आते हैं जो हम जानना चाहते हैं। जब उसने आपके वालिदैन का कत्ल किया तो फिर उसने जेल में क्यों खुदकुशी की? उसे अपने किए पे बहुत नदामत थी और जब भी मैं उसे जेल मिलने जाती थी तो वो बहुत रोता था और उसे रातों को नींद नहीं आती थी। बाजी, बाजी मुझे माफ कर दे, दुआ करे कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह से दुआ कर तुम्हें माफ करे। बाजी मैं बहुत अजाब में हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाता। अगर मुझे नींद आती भी है तो अम्मी अब्बू मेरे ख्वाब में आते और मुझसे पूछते कि हमें क्यों मारा। बाजी, वो हमेशा मेरा भला सोचते थे, मैं ही बदबख्त था जो उन्हें समझ नहीं पाया। खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? और बाजी, आप मुझसे मिलने मत आया करें, मैं इस काबिल नहीं कि कोई मुझसे मिलने आए। वो इस अज़ियत को बर्दाश्त नहीं कर सका और जेल में ही खुदकुशी कर ली। मुझे पता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको हौसला और हिम्मत दे। आप इस शहर में किसके साथ रहती हैं? आप मेरे चचा और दादी मुझे अपने साथ ही ले आए थे, अब वही मेरा सहारा है। लेकिन मैं सोचती हूँ शाहजेब मुझे भी मार देता तो अच्छा था। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बच्चे ने जुनून की खातिर अपने माँ बाप की जान ले ली। याद रखिए कि माँ बाप की नाफरमानी हमेशा नुकसान देती है और माँ बाप के समझाने में इंसान के लिए मसलहत होती है, चाहे उम्र कुछ भी हो। आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कम उम्र की मोहब्बत हमेशा नुकसान देती है। इंसान को ये पहचानना ज़रूरी है कि मोहब्बत और जुनून में एक वाज़ह फ़र्क है। कम उम्र की मोहब्बत अक्सर जुनून को ही जन्म देती है। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनका ख्याल कीजिए और जो वो कहें वो मान लीजिए, क्योंकि उसमें आप ही की भलाई और फ़ायदा है। सुना है उस मोहब्बत में बहुत नुकसान होता है, मोहब्बत जो भी करता है बहुत बदनाम होता है। सुना है उस मोहब्बत में कहीं भी दिल नहीं लगता, बिना उसके निगाहों में कोई मौसम नहीं जचता। खफा जिससे मोहब्बत हो वो जीवन भर नहीं हंसता। सुना है मोहब्बत में बहुत नुकसान होता है।